हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडवर्टाइजिंग के साथ। एडवर्टाइजिंग का ये एक इंट्रो वीडियो है जिसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आने वाली है एंड हम क्या क्या चीज़ें अगली दो तीन वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, एडवर्टाइजिंग की जो अब मैं यूनिट कवर करने वाला हूँ इसमें मेजरली दो टॉपिक है। सबसे पहला एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड एडवर्टाइजिंग कॉपी के अलावा दूसरा आएगा मीडिया प्लानिंग एंड सेलेक्शन। एडवर्टाइजिंग कॉपी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका इंट्रो। इंट्रो के बाद बेसिकली समझने के बाद एडवर्टाइजिंग कॉपी होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बाद एडवर्टाइजिंग कॉपी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग चलेंगे मीडिया प्लानिंग एंड सेलेक्शन में। मीडिया प्लानिंग एंड सेलेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडिया मिक्स के साथ। मीडिया मिक्स के बाद एज जैसे कि नाम में आ रहा है मीडिया प्लानिंग, मीडिया सेलेक्शन, मीडिया शेड्यूलिंग या एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग, वो भी सारा इसी का पार्ट आ जाता है। उसके बाद स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ मीडिया प्लान, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके एक दो छोटे छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं, वो लोग वो भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते चलेंगे, जिसमें आएगा एक तो एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी। इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि क्रिएटिविटी का एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या रोल है एंड क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी देखेंगे क्रिएटिव एड्स वगैरह के, कि कैसे वो एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री को बूम कर रहे हैं एंड अपनी कंपनी के लिए एक ब्रांड इमेज भी बना रहे हैं, सेल्स भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग कॉपी के साथ।